आज शहर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल के प्रांगण में स्विमिंग पूल का विधिवत उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन शरद चंद्रा के द्वारा स्विमिंग पूल परिसर के मुख्य द्वार का रिबन काट कर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तैराकी का बेहतरीन प्रदर्शन किया। तैराकी प्रतिमा के द्वारा इन हजारों की संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को सम्मोहित किया। विद्यालय के चेयरमैन शरद चंद्रा ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय पूर्व से ही प्रयासरत रहा है। यहां अध्यापन के साथ साथ बच्चों को खेलकूद की सुविधा तो पहले से ही प्रदान की जा रही थी, अब उन्हें स्विमिंग पूल के रूप में एक और तोहफा दिया गया जिससे तैराकी के क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अमिताभ चंद्रा, संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्त एवं प्राचार्य आशा किरण सिन्हा मौजूद रहे। बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब के समक्ष में, टीचर के समक्ष में एवं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके समक्ष में आज इनॉगरल फंक्शन स्विमिंग पूल का था, इस अवसर पर आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मुजफ्फरपुर में शायद ये पहला स्विमिंग पूल है जिसको लार्ज इन्वेस्टमेंट करके बनाया गया है इन ऑर्डर टू फुलफिल लॉन्ग वेटिंग वेटेड डिमांड ऑफ द चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। सर, बच्चों में कितनी खुशी दिख रही है इससे? आप देख रहे हैं कितने लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब कह नहीं सकते। सबसे पहले हमको अच्छी तरह से याद है बचपन में कोकुलर एक्टिविटीज के नाम पर डांस, ड्रामा, रामलीला, आक्रमण, ये सब चीज़ होता था। और आज एक ऐसा जगह ले लिया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स जिसके अंतर्गत स्विमिंग आता है, और स्विमिंग ऐसा एक्सरसाइज हम नहीं समझते हैं कि होगा। दिस इज़ द बेस्ट, और इसको मिस्टर अमिताभ चंद्रा के डायरेक्टरशिप में बहुत मेहनत के साथ इन्होंने बनाया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के स्टाफ, उनका भी कोऑपरेशन बहुत रहा है और हमारे बच्चे सब काफ़ी खुश रहेंगे। बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे स्कूल का दूसरा स्विमिंग पूल ओपन किया गया है। पहला हम लोगों ने सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में शुरू किया था, मगर सही मामले में मेजरमेंट के मामले में स्टैंडर्ड और नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल हम लोगों ने स्कूल के अंदर आज गिफ्ट किया है। ये स्विमिंग पूल बच्चों के मनोरंजन के लिए है और मनोरंजन के साथ साथ उनके एक्सरसाइज के लिए भी है। अल्टीमेटली हम लोग इसमें बड़ी बड़ी प्रतियोगिता भी करवाएंगे। तो ये स्विमिंग पूल आज हमारे चेयरमैन श्री शरद चंद्रा और डायरेक्टर अमिताभ चंद्रा के द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है। हम लोग को बहुत खुशी है आज इस क्षण पर। बहुत हर्ष के साथ कहना है कि आज हमारे यहाँ बहुत ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल हमारे यहाँ आज इनोग्रेट हुआ है। इससे हल्का सा साइड में छोटा, मेजरमेंट में छोटा, हमारे सेम स्कूल के ब्रांच में सेंट जेवियर जूनियर सीनियर बैरिया ब्रांच इंटरनेशनल में था 2 सालों से, और अभी हमारे यहाँ गौशाला ब्रांच में ही आया है। ये स्विमिंग पूल इन बच्चों को डेडिकेट किया गया है क्योंकि ये बच्चों के खेलने के जगह सिमटते जा रहे हैं, और स्विमिंग जैसा हम जानते हैं ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। तो बच्चे इसमें आएंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, उनके बॉडी फिट रहेंगे, यही हमारा पर्पस है इस स्विमिंग पूल का। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुरक्षा हमारे यहाँ? हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी एक हमारा किटी स्विमिंग पूल है साथ में, और हमारे ट्रेनर भी हैं, हमारे टीचर्स भी वहाँ, लेडीज टीचर्स गर्ल्स के साथ, जेंट्स टीचर बॉयज के साथ हमेशा रहेंगे, कुछ हेल्पर्स भी वहाँ रहेंगे। सुरक्षा के लिए कोई चिंता न करें, गार्जियन से ये कर मेरा। अब मेरा बिहार बदल रहा है, और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MU Z News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।